कोर्ट में खड़ा होते हैं और उनका अखबार में बयान देखे कि कोर्ट में वो खड़ा हुए जज के सामने हाथ जोड़ के कहे कि हुजूर एको रुपया हम नहीं घूस लिए। अब जिस आदमी को ये कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहना पड़ रहा है कि हुजूर एको रुपया हम घूस नहीं लिए हैं और सजा काट रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो अब वो भी बोले तो इससे ज्यादा बेशर्मी की कौन बात हो सकती है। वहां से ट्वीट कर रहे हैं भाई लालू जी को क्या समझ में आएगा जल जीवन हरियाली, लालू जी के दिमाग से बाहर की चीज है। लालू जी को समझ में आता है चारा, अलकतरा, होटल कैसे बेच देना है, गरीबों को नौकरी दे के जमीन लिखवा लीजिए, तो ये सब बात लालू जी के समझ में आता है। जल जीवन हरियाली लालू जी के दिमाग में कहां से घुसेगा, ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है, तो माइक्रो चीज उनके दिमाग में कहां से आएगा। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति है जो समस्याओं को समझ सकता है, आने वाले खतरा को महसूस कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जिन निकल रहा था, तो रिजल्ट जब आ गया तो उसके बाद कई महीना कहां गायब थे, तो कहां गायब थे तेजस्वी जी। प्रवचन देना और वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ये 2020 का चुनाव होगा, 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए 230 से ज्यादा सीट जीतेगी और फिर तेजस्वी यादव नजर नहीं आएंगे।